कयामत भी आ जाए तो शायर को मत रोकना। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये बोल दूँ कि मुझे कोई टाइम ना दिखाए, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा समय, लेकिन उसके लिए मैं यही बोलता हूँ, उसके लिए मैंने ये दो लाइन लिखी है कि पीठ दिखा के जो भागे उस कायर को मत रोकना, पीठ दिखा के जो भागे उस कायर को मत रोकना, कयामत भी आ जाए तो शायर को मत रोकना। अरे ना आए, कोई कयामत ना आए। आगे बोल रहा हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ, वो मेरी फिक्र बहुत करता है। मैं खुशनसीब हूँ, वो मेरी फिक्र बहुत करता है। इश्क किसी और से है, मुझसे जिक्र बहुत करता है। अब आगे एक गजल नज्म है, इसको शुरू करता हूँ। किसी दिन आ मिल बैठ, किसी दिन आ मिल बैठ, अपना कुछ वक्त तो दे। किसी दिन आ मिल बैठ, अपना कुछ वक्त तो दे, दो पल ही सही, खुदा मुझे जन्नत तो दे। मैं बेपर्दा कर दूं खुद को तेरे सामने, तू मुझे पहले रूहानी सी उल्फत तो दे। मैं बेपर्दा कर दूं खुद को तेरे सामने, तू मुझे पहले रूहानी सी उल्फत तो दे। और आगे है कि अभी तो इश्क कईयों से होना बाकी है मुझे, अभी तो इश्क कईयों से होना बाकी है मुझे, अभी तो इश्क कईयों से होना बाकी है मुझे, पर खुदा इन नाजनीनों को थोड़ी नजाकत तो दे। एक दिन लौटा दूंगा तेरा दिया हुआ ये जिस्म, एक दिन लौटा दूंगा तेरा दिया हुआ ये जिस्म, ए जमीन मुझे निगलने से पहले थोड़ी मोहलत तो दे। एक दिन लौटा दूंगा तेरा दिया हुआ ये जिस्म, ए जमीन मुझे निगलने से पहले थोड़ी मोहलत तो दे। और मैं ठोकर पे रखूं दुनिया की सारी दौलत, ए खुदा दोस्त सारे मुझे शाह तबीयत तो दे। मैं ठोकर पे रखूं दुनिया की सारी दौलत, ए खुदा दोस्त सारे मुझे शाह तबीयत तो दे। और इसका आखिरी ये है कि जिंदगी ने उम्र भर बड़ी मशक्कत करवाई हमसे, जिंदगी ने उम्र भर बड़ी मशक्कत करवाई हमसे, अब ख्याल खुद का न रखना पड़े इतनी गफलत तो दे। जिंदगी ने उम्र भर बड़ी मशक्कत करवाई हमसे, अब ख्याल खुद का न रखना पड़े इतनी गफलत तो दे। और इसके बाद एक फुटकर शेर देता हूँ कि अगली गजल में थोड़ा अंतर आ जाए। अच्छा, ये शेर मैंने लिखा था जब मैं यहाँ से कहीं बाहर नौकरी करने के लिए गया था, तो जब मैं वहाँ पहुँचता था यहाँ से वापस जाके, तो लोग कहते थे यार बड़ी एनर्जी में लगते हो, मैं नोएडा में था, लोग कहते थे बड़ी एनर्जी से वापस आते हो। तो उस पर मैंने ये लिखा कि लोग कहते थे वो यहाँ कि जब से लौटे हो कुछ आबाद से लगते हो, दिल्ली जैसे गए थे इलाहाबाद से लगते हो। तो अगला गजल ये है कि दौलत शोहरत, हाँ ऐसा सन्नाटा ठीक है, दौलत शोहरत आसमान जमीन क्या देती, दौलत शोहरत आसमान जमीन क्या देती, जिंदगी मुझे तुमसे हसीन क्या देती। दौलत शोहरत
आसमान जमीन क्या देती, जिंदगी मुझे तुमसे हसीन क्या देती, एक चांद को जब मेरा हमसफर बनाना ही था, एक चांद को जब मेरा हमसफर बनाना ही था तो उस चांद के लिए मुझे दूरबीन क्या देती। एक चांद को मेरा हमसफर बनाना ही था तो उस चांद के लिए मुझे दूरबीन क्या देती। और जब कत्ल हमारा इश्क के हाथों अब होना था, जब कत्ल हमारा इश्क के हाथों अब होना था तो कातिल का नाम ये छानबीन क्या देती। जब कत्ल हमारा इश्क के हाथों अब होना था तो कातिल का नाम ये छानबीन क्या देती। और ये कि उसने अपने कांधों पे मेरे धोखे का बोझ उठाया है, उसने अपने कांधों पे मेरे धोखे का बोझ उठाया है, इससे ज्यादा एक नाजनीन क्या देती। उसने अपने कंधों पे मेरे धोखे का बोझ उठाया है, इससे ज्यादा एक नाजनीन क्या देती। और इससे अलग यह है कि एक उम्र हमने सपनों को दूध पिलाए रखा, एक उम्र हमने सपनों को दूध पिलाए रखा तो अब सांपों के अलावा आस्तीन क्या देती। एक उम्र हमने सपनों को दूध पिलाए रखा तो अब सांपों के अलावा ये आस्तीन क्या देती। और अंतिम ये है कि लोग अपनी बातों से हवाओं में नफरत भर जाते हैं, लोग अपनी बातों से हवाओं में नफरत भर जाते हैं, साजिशें जहर इससे महीन क्या देती। लोग अपनी बातों से हवाओं में नफरत भर जाते हैं, साजिशें जहर इससे महीन क्या देती। एक शेर ये है कि पहला वाला तुम्हारे में था भाई। एक अंतिम अच्छा अंतिम शेर ये है कि कोई दूर से ही पास रहना चाहे, कोई दूर से ही पास रहना चाहे तो इश्क वैसा भी हो जाएगा, कोई दूर से ही पास रहना चाहे तो इश्क वैसा भी हो जाएगा, अंदाजे बया तो हजारों हैं इसके, इश्क तो कैसा भी हो जाएगा। थैंक यू।